जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में ज्ञान का अपार भंडार है। चार वेद, 18 पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस गान, गीता, अनेक पुस्तकें हैं जो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। इन सब में जो सरलता से ज्ञान देने वाली पुस्तक है वो है रामचरितमानस गान। इसकी हर चौपाई हमको ऐसा लगता है कि कोई हम बहुत बड़ा पुराण हो और वो उसके द्वारा भी हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूरी रामचरितमानस गान में से यदि एक चौपाई हम आत्मसात कर लें तो हमारे साथ साथ हमारे आने वाली सात पीढ़ियां और पिछले वाले पुरख सब भवसागर से पार हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। अद्भुत ज्ञान का भंडार है। और गोस्वामी तुलसीदास लिखते भी हैं कि इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में भवसागर से पार होने का सबसे बढ़िया रास्ता है प्रभु का नाम। देखिए कितने सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से हम इस सागर से, इस भव सागर से पार हो सकते हैं, इस आवागमन से छूट सकते हैं। वैसे तो रामचरितमानस गान के सभी प्रसंग अद्भुत हैं और आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसको हम राम केवट संवाद के रूप में जानते हैं। और ये जो प्रसंग है शुरू होता है कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था तो सुमंतु रथ में बिठा करके भगवान राम माँ सीता और लक्ष्मण को जंगल में ले जाते हैं। और जब बीच जंगल में पहुंच जाते हैं तो भगवान राम सुमंतु जो मंत्री थे उनको कहते हैं कि अब आप जाओ, अब हम अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। बड़े भारी मन से सुमंतु प्रभु राम माँ सीता को और लक्ष्मण को उस जंगल में छोड़ करके वापस अयोध्या लौट जाते हैं। भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं जंगल में तो विशाल माँ गंगा पता नहीं कब से भगवान राम की प्रतीक्षा में बाहें फैला के खड़ी थी। माँ गंगा स्वागत करती है अपनी लहरों से प्रभु राम का, तो प्रभु राम प्रणाम करते हैं माँ गंगे को, वो भी दर्शन को व्याकुल थे। माँ गंगे के दर्शन के बाद प्रभु को जाना था ऋषि भारद्वाज के आश्रम में चित्रकूट, लेकिन गंगा पार करें कैसे? माँ तो करुणा में, माँ ऐसे स्थान थोड़ी देगी माँ अपने बेटे को। तो प्रभु राम उस गंगा को पार करने के लिए किसी केवट का सहारा लेना था, किसी केवट को तलाश करते हैं कि यहाँ पर यदि कोई केवट होगा, कोई नाव वाला होगा तो उसके द्वारा हम गंगा पार कर जाएंगे। तो देखते हैं कि गंगा के किनारे एक केवट नाव लेकर के खड़ा है। तो प्रभु उस नाव वाले केवट को बुलाते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, सुनिएगा। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। केवट कहता है प्रभु मैं नहीं आने वाला, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। प्रभु तीन लोक के त्रिपुरारी जो दुनिया को भवसागर से पार करवाते हैं, आज वो एक केवट से नाव मांग रहे हैं गंगा पार करवाने के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। और ये और कह रहा है कि प्रभु मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, मैं आपको आपकी नाव में, अपनी नाव में नहीं बिठाने वाला। जब ये वचन सुनते हैं माँ सीता और लक्ष्मण मन ही मन मुस्कराते हैं कि जिस त्रिपुरारी को जानने के लिए हम कई जन्मों तक तप करते हैं तब भी हम नहीं जान पाते, और इसने आते ही मेरे प्रभु को कैसे जान लिया। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। तो माँ लक्ष्मी जो अभी सीता के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था उनको याद था सब, वो लक्ष्मण जी को याद दिलाती हैं कि हे शेषनाग याद करो उस पल को जब क्षीर सागर में प्रभु
शेषनाग पर लेटे हुए थे और समुद्र से एक कछुआ बार बार प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहता था। बार बार समझाया था कि प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत तप करना पड़ता है, कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है और तुम पैर छू करके इस भवसागर को पार उतरना चाहते हो। लेकिन वो नहीं माना। उसको पता था कि यदि प्रभु के पैर एक बार छू लिए तो फिर ना तो ये शेषनाग कुछ कर पाएंगे और ना माता लक्ष्मी, और मैं सीधे शॉर्टकट रास्ते से भवसागर पार उतर जाऊंगा। काफ़ी प्रयास किए, लक्ष्मी जी ने मना किया, शेषनाग सब देख रहे थे। जब कछुआ नहीं माना तो शेषनाग ने जोर से फुंकार मारी और कछुआ वहाँ से उड़ करके जो जम्मू द्वीप था उसके उत्तर में गंगा के किनारे गिरा। उस समय भारत को एक जम्मू द्वीप के बारे में के नाम से जाना जाता था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में गंगा किनारे उस गांव में उसका एक केवट के रूप में जन्म हुआ। तो उसके पुराने जो कर्म थे, जो मृत्यु के समय इच्छा रह गई थी राम के चरण स्पर्श की, वो इच्छा आज पूरे होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि मरते समय यदि कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वो अगले जन्म में पूरी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि मरते वक्त हम प्रभु को याद करें तो प्रभु के दर्शन इस जन्म में न सही अगले जन्म में हो जाएंगे। तो राम राम मुँह से मरते वक्त निकल जाए तो ये बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो ये वही कछुआ है और आज प्रभु ने इसको मौका दे दिया है। ये उतारेगा नहीं पार, देख लेना, ये बिना पैर छुए ये प्रभु को नाव में नहीं बिठाएगा। तो प्रभु मांगते हैं बार बार कि मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। कि प्रभु तुम्हारा मर्म मैंने सब जान लिया, मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। तो प्रभु पूछते हैं भाई क्या मर्म जान लिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि जो तुम मुझे नाव में नहीं बिठा रहे। तो तब केवट कहता है कि आप वही हो कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हे प्रभु आप वही हो जिनके पैरों को छूकर एक शिला, पत्थर की शिला जो बहुत कठोर होती है, वो नारी बन गई थी। वो याद दिलाते हैं अहिल्याबाई की, जो कि कई वर्षों तक युगों तक एक पत्थर के रूप में वहाँ पर थी। जैसे ही आपका पैर लगा और वो एक नारी का रूप उसने धारण कर लिया था। और पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, पाहन तेन काठ कठिनाई, और मेरी नाव तो काठ की है और इसको आपको कुछ भी बनाने में तो कोई कठिनाई भी नहीं होगी प्रभु, इसीलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि एहि प्रतिपाल हूँ सब परिवार, हूँ नहीं जानहूँ कछु और कबारू। ये प्रभु इसी से मैं अपना पालन पोषण करता हूँ अपने परिवार का। और यह भी एक स्त्री बन गई और एक पहले से घर पे बैठी है, बच्चे हैं, तो मेरा रोजी रोटी तो चली जाएगी, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। तब प्रभु कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी है, फिर कभी आऊँगा तब तू ये काम कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बहुत कहने पर भी वो नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मैं एक एक कण रज कण, कि आपके पैरों में एक कोई कण भी रह जाए और वो भी मेरी नाव पर छू गया तो भी मेरी नाव उड़ जाएगी, स्त्री बन जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं आपको बिना पैर धोए अपनी नाव में नहीं बिठाऊँगा। प्रभु बहुत निहोरा कर रहे हैं लेकिन केवट नहीं मान रहा है। कहता है केवट, जो प्रभु पार अवस गा चहऊ, मोहि पद पदम पखारन कहयु। प्रभु यदि गंगा पार उतरना है तो आपके पैर पखारने के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं किसी हालत में आपको अपनी नाव में नहीं बिठाने वाला। बरु तीर मारहु लखन ये, जब लगन पाई पखारहु, तब लगन तुलसीदास नाथ,
कृपालु पार उतारई हूँ। हे प्रभु, लखन चाहे मेरे सीनों में कितने ही तीर मार दें, लेकिन तब भी मैं आपको पैर पखारे बिना अपनी नाव में नहीं बिठाने वाला हूँ। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान लखन तन। ऐसे अटपटे वचन सुन कर के प्रभु सिया और लखन की तरफ देखकर मुस्कराने लगे और बोले, प्रभु क्या कहते हैं केवट से, जब मान ही नहीं रहा तो क्या करें। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नावन जाही। कृपा सिंधु बोले के हे केवट, तू वही कर जिससे कि तेरी नाव न जाए, तेरी नाव बचा तू कर ले, पर मुझे पार उतार दे। और इतना सुनकर के केवट आनंदित हो गया कि प्रभु ने मुझे अपने पैर पखारने की जो आज्ञा दे दी। इतना आनंदित हुआ कि कई वर्षों तक जो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा था, आज उसको लग रहा था आज पूरा होगी। पर कहता है, प्रभु मैं पैर पखारूंगा कैसे, मेरे पास पानी लाने को कुछ नहीं है, मैं अपने घर जाना पड़ेगा, पास में गांव है, वहां से कठौता लेकर आऊंगा और फिर आपके पैर पखारूंगा। जैसे ही सुना कि अब ये गांव जाएगा, कब आएगा, कब उतारेगा, उतर गए पार प्रभु। लखन सिया सोचने लगे, तो ये तो इसने तो उतार दिए पार, लेकिन करे क्या, और कोई चारा भी नहीं है। और उस दिन कोई दूसरा केवट भी नहीं था वहाँ पर, और केवट को पता था कि आज राम हमारे प्रभु आने वाले हैं, तो जो वहाँ दूसरे केवट, दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो नाव चलाने का काम करते थे, उन सबको केवट ने वहाँ से उस दिन विदा कर दिया था कि भाई आज तुम कुछ भी करो, वहाँ चले जाओ, कोई वहाँ चले जाओ। लेकिन वहाँ किसी को रुकने नहीं दिया था कि कहीं ऐसा ना हो प्रभु दूसरे की नाव में बैठ करके पार कर लें, और मैं जो इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ वो मेरी तपस्या बेकार चली जाए। तो प्रभु अब क्या करें, गंगा के किनारे बैठ गए प्रभु के, जा भाई ले आ कठौता, और तो क्या कर सकते हैं। अब वो कठौता लेने चला केवट गांव में, जल्दी अपने घर पहुंचा, घरवाली को कहा जल्दी से चल तैयार हो जा, बच्चों को कहा जल्दी चलो। अरे के हुआ क्या है ये तो बता दे, कि बस आज तो ऐसा मौका आया है कि फिर कभी सात जन्मों तक आए ना आए, हम खुद को, अपने परिवार को, गांव वालों को, अपने पुरखों को, सबको भवसागर आज पार करा देते हैं, और ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। कहता है अपनी पत्नी को, प्रभु राम आए हैं और हमें उनके पैर पखार कर अपने जो हमारे पितर हैं उनको भी तारना है, अपनी सात पीढ़ियों को भी तारना, खुद को भी तारना। पत्नी जल्दी से कठौना निकालती है, बच्चों को बोलती है। अब पत्नी सोचती है कि पहले समय अलग था, अपना ही भला नहीं चाहते थे लोग, अब वो सोचती है कि मेरे पड़ोसी इनको भी कह देती हूँ, ये भी प्रभु से के दर्शन कर, ये भी अपना भवसागर पार कर लें। तो पत्नी जल्दी से जाती है पड़ोस में, कह देती है, और उधर कठौता लेकर के केवट गंगा के किनारे चल देता है। उधर देखता है पीछे जो पड़ोसी थे, पड़ोसी अपने पड़ोसियों को कह देते, इस तरह पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि भगवान राम आए हुए हैं, आज प्रभु आए हुए हैं, और अपने सात पीढ़ियां सात जन्म आज हम अपने तार सकते हैं। इधर भगवान राम गंगा के तट पर देखते हैं कि केवट तो अभी आया नहीं है, समय गुजरा जा रहा है, कब पहुंचेंगे चित्रकूट, ऋषि भारद्वाज के आश्रम जाना है, लेकिन करें तो करें क्या, और कोई चारा नहीं है। और वो देख रहे हैं बार बार गांव की तरफ, आज तीनों लोग को तारने वाले खुद आज दूसरे के चक्कर में फंस करके। भगवान राम देखते हैं, जैसे ही देखते हैं कि गांव की तरफ से केवट तो कठौता लेके चला आ रहा है, कि हाँ आ तो रहा है, लेकिन पीछे देखते हैं इसको, उसकी पत्नी है, फिर बच्चे हैं, और देखा कि पूरा गांव की लाइन लगी हुई है। लखन और माता सीता कहती हैं, बस प्रभु
आज तो आपके पैर धुलते धुलते रात यहीं हो जाएगी, आज आप भारद्वाज जी के आश्रम नहीं पहुंचने वाले, आज गंगा पार नहीं होने वाली आपकी। प्रभु कहते हैं होंगे, लेकिन हम पार होने से पहले उनको पार हो जाने दो। कितने दयालु हैं प्रभु, उनको पता है कि उनको आज मौका मिला है, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हमें देर होगी तो होगी, लेकिन हम पार होने से पहले मैं इनको पार करा के ही जाऊंगा। जल्दी से आता है केवट और फिर क्या करता है, केवट राम रजा यशु पावा और पानी कठौता भर ले आवा। जल्दी से जाता है गंगा से, कठौता भर के ले आता है पानी का। अब यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि गंगा से गंगा जल लेके आया भर के, लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने यहाँ पानी शब्द क्यों इस्तेमाल किया है कि पानी कठौता भर ले आवा। तो यहाँ भी एक ज्ञान की बात जुड़ी हुई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि देखिए गंगा में पानी जब तक बह रहा है तभी तक वो गंगा जल है, और जब उसको चुल्लू में ले लें, कठौते में ले लें, बर्तन में ले लें, तो वो गंगा जल नहीं रहता। गंगा से उसका संबंध विच्छेद होते ही वो पानी बन जाता है। यहाँ यूँ कहें कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक हमारी आत्मा, जीव आत्मा शरीर के अंदर है तभी तक आत्मा का इस शरीर से संबंध है, और जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है तो इस शरीर से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं रहता। तो रामायण की एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई में ज्ञान भरा पड़ा है, और हम जब इसीलिए हम इस बॉडी को, यूँ कहें कि शरीर को हम क्रिया कर्म करके और अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर देते हैं, और उस समय हम क्या शब्द बोलते हैं कि हे जीव आत्मा, यदि फिर भी तेरा इस शरीर से कहीं लगाव हो तो इसको मैं गंगा में डाल रहा हूँ, अब तू दूर चली जा, इसको छोड़ दे, इस शरीर से जो लगाव हो गया था ना, इससे तेरा कोई संबंध नहीं है, अब तू हमसे भी कोई संबंध नहीं है, अब तू दूर चली जा और हमारे पास फिर कभी मत आना। तो यही है, जब तक हम आप शरीर हैं तब तक हमारा आपसे रिश्ता है, शरीर छूट गए तो आपसे तो रिश्ता क्या रहेगा, हमारा इस आत्मा से भी रिश्ता नहीं रहता है। तो मोह तभी तक करना चाहिए जब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, यानी आत्मा है। शरीर छूटने के बाद हमें मोह त्याग देना चाहिए, यही वो गंगा जल हमको शिक्षा दे रहा है कि केवट राम रजा यशु पावा पानी कठौता भर ले आवा। तो कठौता भर के ले आया, प्रभु के चरणों को पखारने लगा और बड़े आराम से सहला सहला कर वो पैर पखार रहा है, और उसकी पत्नी अपने पल्लू से पैरों को पोंछ रही है, और पैर पखार करके प्रभु के अपने साथ जन्मों को उसने तार लिया, और फिर जो कठौते में जो चरणामृत बचा प्रभु का, प्रभु के चरणों को धोने के बाद उसको पी करके अपने पुरखों को भी तार दिया। फिर यही काम गांव वालों ने किया, उसके पड़ोसियों ने किया, पूरा गांव भवसागर से पार हो गया पल भर में उस केवट के कारण। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये। अब अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद से उसने चरण धोए, अपने अपने गांव वालों को सबको भवसागर से पार किया, और फिर उसके बाद प्रभु को नाव में चढ़ाया, और प्रभु जो कि तीनों लोक जिसके अधिकार में हैं, जो क्षीर सागर में, जब हम कहते हैं कि प्रलय आती है, शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, माँ लक्ष्मी वही तैरते रहते हैं, वही बचते हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु आज उस केवट की नाव के सहारे गंगा को पार कर रहे हैं, और गंगा पार करने के बाद में उस पार पहुँचते हैं तो एक और प्रसंग शुरू होता है।
वो प्रसंग मैं कल आपको सुनाऊंगा, उसका भी अपना एक अलग आनंद है। तो रामचरितमानस की विशेषता यही है कि इसकी एक एक चौपाई हमको ज्ञान देती है। यदि एक चौपाई को हम आत्मसात कर लेंगे तो उससे भी हमारे पिछले 7 पुरखे और 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। इसको सुनने वाले जीव जंतु जो हमारे आसपास होते हैं वो भी तर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान तुलसीदास जी के माध्यम से प्रभु राम की जो चरित्र है वो हमको सुनने को मिलता है। सुनने वाला, सुनाने वाला सबका कल्याण हो जाता है। अद्भुत है सनातन, और मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि मुझे इस ऐसे धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस सनातन के लिए यदि मैं कुछ ना कर पाया तो ये जीवन बेकार है मेरा। इसीलिए जो कुछ मुझे आता है, जैसे शब्द हैं मेरे, वैसे ही मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया है। कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और कल फिर से मैं वापस सुबह 5 बजे ये मेरा प्रसंग रोज़ मेरे चैनल पे आपको सुनने को मिलेगा, हर रोज़ नया। तो सुबह 5 बजे मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो कल तक फिर नए प्रसंग के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक आज श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।